ठीक है गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। अभी बज रहे हैं 5। मैं आज 4:45 बजे उठ गया क्योंकि आज महानवमी है। आज मैं बहुत ज़्यादा जल्दी उठ गया, तो अभी 5:06 हो रहे हैं और मैं उठ चुका हूँ। अब देखते हैं आगे क्या करना है। मैं सोच रहा हूँ अभी थोड़ा रुक के नहाऊँ वरना ठंड लग जाएगी। तो ले आया हूँ पूजा को चढ़ाने के लिए। मैं नहा भी चुका हूँ और 6 बजे तक मैं नहा चुका था। 6:30 बज गए मेरे को फूल लाते लाते। फिर नेक्स्ट मैं लाया हूँ 2 गुलाब के फूल जो मेरे को गार्डन में मिले हैं। फिर हैं मेरे पास तुलसी के पत्ते चढ़ाने के लिए और हार श्रृंगार वाले फूल। ये पूरी कटोरी भर के मेरे पास हार श्रृंगार वाले फूल हैं माता को चढ़ाने के लिए। तो मतलब पूजा करने के लिए तैयार हूँ। फूल लाया हूँ माता के लिए। एक पिंक फ्लावर लाया हूँ मैं माता को चढ़ाने के लिए। और तो और मैंने पर्पल फ्लावर भी तोड़े हैं, ये छोटे छोटे। एक कली भी है मेरे पास इस पिंक फ्लावर की। तो लगभग लगभग तैयारी हो गई है सारी पूजा की। गुड़हल का फूल भी तोड़ के ले आया हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। बहुत बड़ा फूल है, सच्ची में बहुत खुश हूँ इसको पाके। फेवरेट फ्लावर का शॉर्ट्स बनाया था अपने कल वाले ब्लॉग में, मैंने आपको दिखाया भी होगा। तो काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि अपने गार्डन का भी टूर दो, सो मैं आपको गार्डन का टूर आज शाम के वक्त दूंगा। ये एलोवेरा एक गमले में था पर मैंने इसको इस बड़े से उसमें लगवा दिया मम्मी ने। अब गमले में भी है एलोवेरा। फिर मोगरे का फूल है, ये क्रिसमस ट्री है, फिर एलोवेरा वापस से। ये मेरा फेवरेट फ्लावर भी है यहाँ पर, वो बॉटल मम्मी ने डेकोरेट भी की है। ये करी पत्ता है, इससे हम करी पत्ता तोड़ के किसी भी डिश में डाल सकते हैं। ये इतना बड़ा करी पत्ता है। फिर से मेरा फेवरेट फ्लावर और देन मेरा मनी प्लांट। ये था मेरा छोटा सा घर के अंदर वाला गार्डन। बाहर जो गार्डन है किसी दिन मैं आपको उसका भी टूर दूंगा। माता के लिए फ्रूट्स भी तैयार हैं, सूजी का हलवा भी तैयार है, चने की सब्जी भी तैयार है, सारे फूल तोड़े हैं, नया फूल भी लाया हूँ मैं। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः
श्री सर्वासाध्य शरणं गौरी नारायणं नमस्ते सर्वमंगलमांगल्ये श्री सर्वासाध्य शरणं गौरी नारायणं नमस्ते या देवी सर्वभूतेषु आपको क्लिप्स दी थी आज की पूजा की। मैं तो आज बहुत जल्दी उठ गया था, मैं अभी बोलने वाला था, मैं उठ गया हूँ। तो अभी मैंने माँ गौरी की ड्राइंग कंप्लीट की, उसकी वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी जल्दी। फिर मैं सिद्धिदात्री को भी ड्रॉ करूँगा, तब तक तो मैं ऐसे ही घूम रहा हूँ पूरे घर में। एंड गाइज, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि हमारे चैनल पर 111,205 व्यूज़ पूरे हो गए, मतलब तो मैं सो गया था आज 1 बजे ही, और अब बज रहे हैं 5। 5 बजे मैं उठ गया था, अभी तो 6 बज रहे हैं। तो अभी मैं दूध ले रहा हूँ नाश्ते में, मतलब नाश्ता नहीं, मैं दूध ले रहा हूँ प्लस मैं केला भी खा रहा हूँ। तो अभी अभी मैंने सिद्धिदात्री की एडिटिंग कह रहा हूँ, मतलब मैंने वीडियो शूट कर ली है, आपको अभी थोड़ी सी देर में ही देखने को मिल जाएगी। अब मैं उन्हें एडिट करूँगा, सॉन्ग लगाऊँगा और फिर अपलोड पर लगाऊँगा। सो आप लोग देख लेना कैसी बनी है सिद्धिदात्री की ड्राइंग, यहाँ मैंने दिखा रहा हूँ वो भी आप लोगों के लिए सरप्राइज है। और मैंने देखा मेरे पिछले वाले व्लॉग को लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं देखने के लिए, तो थैंक यू सो मच। तो अभी 7:45 बज गए हैं और मैं सोच रहा हूँ अब व्लॉग को एंड कर दिया जाए। अब करूँगा अभी क्या ही, मैं कुछ तो कर नहीं रहा हूँ, सिद्धिदात्री बन चुकी है, बहुत प्यारी लग रही है, वैसे कलर भी बहुत सुंदर हुआ है इनमें। तो मैं सोच रहा हूँ इसको एंड कर दिया जाए। अब मैं क्या करूँगा, 8:30 बजे तक मैं 9 बजे तक खाना खा लूँगा, फिर मैं सो जाऊँगा, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ इसको एंड किया जाए। अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो, शेयर भी कर देना अगर चाहो तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।